हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड 45 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 45 एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंतर्गत भारोत्तोलन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समाहित हैं। इससे बाहर आपको इसके बारे में वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा वीडियो देखने के बाद। दोस्तों, जैसा कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए होंगे एमपी मुख्य एग्जाम की, फिजिकल एजुकेशन की, एमपी टेट की रिजल्ट आने के बाद, एंड यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज एंड वन लाइनर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़िए। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पे आपको मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, डेली मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग के बारे में। जैसा कि आप ओलंपिक में करम मलेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक में उनका नाम जानते ही होंगे, एंड जैसे कि भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टर में 2000 सिडनी ओलंपिक में करम मलेश्वरी ने 69 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। ये भारत की तरफ से ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी। एंड फिर भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग में 2020 टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने 49 केजी भार वर्ग में रजत पदक जीता। अब जानते हैं भारोत्तोलन है क्या और इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप रेडी हो जाइए अपना स्कोर चेक करने के लिए। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना किस सन में हुई। तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना 1905 में हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का मुख्यालय है बुडापेस्ट हंगरी। कहाँ है? बुडापेस्ट हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ओलंपिक में भारोत्तोलन को सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों, 1896 एथेंस ओलंपिक को में इसको सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है भारोत्तोलन खेल में एक भारोत्तोलक कितने प्रकार के लिफ्ट करता है। तो राइट आंसर होगा दो प्रकार के करता है, स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क। नेक्स्ट है अगर कोई भारोत्तोलक भार को दोनों हाथों से एक ही झटके में अपने सिर के ऊपर उठा के खड़ा हो जाए और रेफरी के इशारे पर ही उसे पुनः प्लेटफॉर्म पर रख दे तो यह क्या कहलाता है। तो दोस्तों, यह कहलाता है स्नैच। क्या कहलाता है? स्नैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारोत्तोलक बार वेल को उठाकर अपने दोनों कंधों की सिधाई तक लाकर सीधे खड़ा होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस स्थिति को कहते हैं क्लीन। नेक्स्ट है जब भारोत्तोलक साफ रूप से क्लीन की स्थिति में आ जाए और उसके पश्चात दोनों हाथों से बार वेल को सिर के ऊपर तथा दोनों पैर आगे पीछे खोले तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस स्थिति को कहते हैं जर्क। क्या बोलते हैं? जर्क। नेक्स्ट है भारोत्तोलन की किसी प्रतियोगिता में भारोत्तोलक बार वेल को नियमानुसार नहीं उठा पाता है तो रेफरी उस लिफ्ट की गिनती किस रूप में करता है। तो वह करता है नो लिफ्ट। किस रूप में करता है? नो लिफ्ट। नेक्स्ट है भारोत्तोलन के दौरान किस प्रकार का पाउडर एक भारोत्तोलक अपने हाथों में लगा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह है मैग्नीशियम कार्बोनेट पाउडर को भारोत्तोलन के दौरान भारोत्तोलक अपने हाथों में लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारोत्तोलन में इनकरेक्ट मोमेंट से संबंधित नहीं है।
तो कौन इनकरेक्ट नहीं है दोस्तों, इसमें से तीन जो है इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, और एक आपका सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन इसमें इनकरेक्ट नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क, यानी कि बारबेल को उठाते हुए घुटने बैंड करना, बारबेल को उठाते हुए घुटने बैंड करना, ये आपका राइट है। और ये तीनों ऑप्शन आपका रॉन्ग है। क्या कंधों के ऊपर से ही बारबेल को छोड़ देना, ये आपका गलत है, ऐसे में तो हम हाथ पैर टूट जाएंगे यानी चोट लगेगा बहुत भारी। एंड ग है प्रतियोगिता की प्लेटफॉर्म पर पुनः बारबेल को रखने में असफल होना, ये भी आपका रॉन्ग माना जाएगा। एंड मध्य रेफरी की तरफ बारबेल को उठाने से पहले अपने को प्रदर्शित न करना, ये सभी रॉन्ग है। एंड बारबेल को उठाते हुए घुटने बेंड करना, ये राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से इनकरेक्ट मूवमेंट के अंतर्गत क्या सही नहीं है, तो क्या इसमें इनकरेक्ट नहीं है और इसमें क्या सही है, ये छाटना है, यानी कि इसमें छाटना है कि इनकरेक्ट कौन नहीं है और सब इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क, रेफरी सिग्नल के पश्चात बारबेल को नीचे रखना, रेफरी के सिग्नल के पश्चात ही बारबेल को नीचे रखना, ये आपका राइट है, यानी इनकरेक्ट यहाँ पे नहीं है और सब के सब आपका इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्या क्या है कि बारबेल को दोनों हाथों को ऊपर ले जाते समय बीच बीच में रुकना, ये आपका इनकरेक्ट है। पूर्ण प्रदर्शन से पहले प्लेटफॉर्म से बाहर जाना, ये भी इनकरेक्ट है। रेफरी के सिग्नल से पहले रखना, ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रतियोगिता के प्लेटफॉर्म से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें संबंधित दोस्तों, यहाँ पे संबंधित नहीं है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर होती है, ये राइट नहीं है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होती है, ये राइट है। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर होती है, राइट नहीं है, इससे संबंधित नहीं है प्रतियोगिता से भारोत्तोलन के। कौन कौन राइट है देखते हैं कि प्लेटफॉर्म का आकार वर्गाकार होता है, राइट है। प्लेटफॉर्म की लंबाई चौड़ाई 4x4 मीटर होती है, तो याद रखिएगा वेट लिफ्टिंग के प्लेटफॉर्म की लंबाई चौड़ाई 4x4 मीटर वर्गाकार होती है। एंड प्लेटफॉर्म की ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है IWF, यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन से संबंधित प्रतियोगिता में कम से कम कितनी प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, 2 प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, एक कंपटीशन तथा एक वार्म अप प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है, पुरुषों के लिए प्रयोग होने वाली बार का कितना भार होता है दोस्तों, तो पुरुषों के लिए जो बार प्रयोग किया जाता है उसका भार होता है 20 kg, कितना होता है 20 kg। एंड नेक्स्ट है, बारबेल में प्रयोग होने वाले कॉलर का भार कितना होता है, तो बारबेल में जो प्रयोग होता है कॉलर उसका भार होता है 2.50 kg, कितना होता है 2.50 kg। नेक्स्ट है, बारबेल में भार के रूप में लगने वाले डिस्क के भारों के आधार पर कितनी संख्या होती है, जो बारबेल होता है दोनों तरफ गोलाकार आपका डिस्क लगा होता है भारी भारी, तो बारबेल में भार के रूप में लगने वाले डिस्क की भारों के आधार पर कितनी संख्या होती है, तो 10 संख्या होती है डिस्क की भारों के आधार पर। नेक्स्ट है, सबसे भारी डिस्क कितने भार का होता है, तो दोस्तों सबसे भारी डिस्क जो है 25 kg का होता है, यानी 25 kg एक तरफ, 25 kg यानी 50 kg हो जाता है। नेक्स्ट है, सभी डिस्क के रंग निम्न में से क्या होते हैं, तो सभी डिस्क के रंग जो है वह होते हैं, यहाँ पे घ और घ हो जाएगा क ख दोनों, यानी कि सफेद, हरा, पीला एंड नीला, लाल। नेक्स्ट है, पुरुषों के लिए कितने भार वर्ग होते हैं, तो दोस्तों पुरुषों के लिए भार वर्ग होता है 8, कितने भार वर्ग होते हैं पुरुषों के लिए 8 भार वर्ग होते हैं एंड महिलाओं के लिए 7। नेक्स्ट है, पुरुषों के लिए सबसे कम भार वर्ग कौन सा होता है, तो दोस्तों पुरुषों के लिए सबसे कम भार वर्ग होता है 56 kg एंड पुरुषों के लिए सुपर हैवी वेट भार वर्ग पुरुषों के लिए कितने भार से अधिक का होता है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा 105 kg अधिकतम होता है और कम से कम 56 kg।
नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए कितने भार वर्ग होते हैं? तो महिलाओं के लिए 7 भार वर्ग होते हैं और पुरुषों के लिए 8, ये दोनों याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए सबसे कम भार वर्ग कौन सा होता है? तो महिलाओं के लिए सबसे कम भार वर्ग होता है 48 kg, जबकि पुरुषों के लिए 56 kg। नेक्स्ट है, सुपर हैवी वेट भार वर्ग महिलाओं के लिए कितने भार से अधिक का होता है? तो 75 kg से अधिक का होता है। सुपर हैवी वेट कितना? 75 kg प्लस होता है, मतलब 75 kg से अधिक होता है, जबकि पुरुषों के लिए 105 kg से अधिक। नेक्स्ट है, भारोत्तोलन की प्रतियोगिता के लिए कितने रेफरी होते हैं? तो 3 रेफरी होते हैं भारोत्तोलन की प्रतियोगिता कराने के लिए। नेक्स्ट है, रेफरी के लाइट सिस्टम में सफेद बटन किसको इंगित करता है? तो रेफरी के लाइट सिस्टम में जो सफेद बटन होता है वो गुड लिफ्ट को इंगित करता है। किसको? गुड लिफ्ट को, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफरी के लाइट सिस्टम में लाल बटन किसको इंगित करता है? तो रेफरी के लाइट सिस्टम में लाल बटन जो होता है वो नो लिफ्ट को इंगित करता है। किसको? नो लिफ्ट को। नेक्स्ट है, उद्घोषणा होने के कितने अवधि के अंदर भारोत्तोलक को बारबेल को प्लेटफॉर्म से उठाकर घुटने के ऊपर ले जाना चाहिए? तो 1 मिनट में। कितना? 1 मिनट में। नेक्स्ट है, गुड लिफ्ट कब मानी जाती है? तो गुड लिफ्ट कब मानी जाती है दोस्तों? जब तीनों रेफरी सफेद बटन दबाते हैं। जब तीनों रेफरी सफेद बटन दबाते हैं तो माना जाता है कि गुड लिफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारोत्तोलन को डाउन कौन बोलता है? भारोत्तोलन को डाउन जो है चीफ रेफरी यानी जो मुख्य रेफरी होता है वो बोलता है। एंड नेक्स्ट है, अगर 2 रेफरी सफेद बटन दबाते हैं और 1 रेफरी लाल बटन दबाता है तो इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाएगा लिफ्ट इज पास, लिफ्ट इज पास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहीं पे अगर 2 रेफरी लाल बटन दबाते हैं और 1 रेफरी सफेद बटन दबाता है तो उसको क्या बोला जाएगा? तब उसको बोला जाएगा नो लिफ्ट। क्या बोला जाएगा? नो लिफ्ट। नेक्स्ट है, एक भारोत्तोलक को स्नेच की स्थिति में आने के पश्चात कितनी अवधि तक खड़ा रहना या अपनी स्थिति को प्रदर्शित करना होता है? तो ये दोस्तों यहाँ पे कोई समय सीमा नहीं, रेफरी के विवेक पर यह निर्भर करता है कि कितना समय तक खड़ा रहेगा या अपनी स्थिति को प्रदर्शन करेगा। नेक्स्ट है, एक भारोत्तोलक को किसी एक भार के लिए कितने प्रयास मिलते हैं? तो दोस्तों एक भारोत्तोलक को किसी एक भार के लिए कम से कम 3 प्रयास मिलते हैं। कितना? 3 प्रयास। नेक्स्ट है, तीनों रेफरी के निर्णय लेने के पश्चात कितनी अवधि के अंदर फाइनल निर्णय दर्शाया जाना चाहिए? जब तीनों रेफरी निर्णय ले लेते हैं उसके पश्चात कितनी समय के अंदर फाइनल निर्णय दर्शाया जाता है, दर्शाया जाना चाहिए? तो 3 सेकेंड के अंदर। कितने सेकेंड के अंदर? 3 सेकेंड के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतिम निर्णय से संबंधित लाइट कितने समय तक जलती रहनी चाहिए? जो अंतिम निर्णय से संबंधित लाइट होता है वह कितने समय तक जलती रहनी चाहिए? तो 3 सेकेंड तक। कितने सेकेंड तक समय तक? 3 सेकेंड तक। नेक्स्ट है, अगर किन्हीं 2 खिलाड़ियों में टाई पड़ गई हो तो इसके निर्णय से संबंधित क्या सही है? तो इसका सही है, जिसका शारीरिक भार कम होता है वही विजय होता है। याद रखिएगा, भारोत्तोलन में अगर खिलाड़ियों में टाई पड़ जाए तो जिसका शारीरिक भार कम होता है उसको विजय माना जाता है, क्योंकि शारीरिक भार कम होते हुए भी उसने भार उठाया है उतना ही, जितना ज्यादा वाला उठाया है तो कम वाले को विजयी कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान IWF यानी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नियमानुसार पुरुष व महिला के विभिन्न भार वर्गों में वर्गों को क्या नाम दिया गया है? तो इसका कोई नाम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में पोजीशन का निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में पोजीशन का निर्णय जो है वह स्नैच तथा क्लीन और जर्क के उच्चतम भार के जोड़ के आधार पर लिया जाता
है। नेक्स्ट है, वेट लिफ्टिंग का खिताब प्रतियोगिता में किस आधार पर दिया जाता है? तो वेट लिफ्टिंग का खिताब प्रतियोगिता में किस आधार पर दिया जाता है? तो शारीरिक भार के औसत के आधार पर दिया जाता है। अगर सेम वजन दो वेट लिफ्टर ने उठाया है तो जिससे वेट लिफ्टर का भार कम रहेगा उसको विजयी कर दिया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, रॉड बॉल पर जो खुरदरी जगह होती है जहां से भारोत्तोलक उसे पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नर्लिंग। क्या कहा जाता है उसे? नर्लिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, दोनों स्थाई कॉलर के मध्य पुरुष व महिला बॉल की दूरी कितनी होती है? तो 1.31 मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुरुषों के लिए बाल की लंबाई कितनी होती है? तो पुरुषों के लिए बाल की लंबाई होती है 2.20 मीटर। नेक्स्ट है, पुरुष व महिला के बाल का व्यास क्रमशः कितना होता है? तो पुरुष व महिला के बाल का व्यास होता है दोस्तों 28 mm तथा 25 mm। 28 mm पुरुष के बार का व्यास होता है और 25 mm महिला के बार का व्यास होता है। नेक्स्ट है, दोनों स्थाई कॉलर के बाहर के बार को क्या कहा जाता है? तो दोनों स्थाई कॉलर के बाहर के व्यास को कहा जाता है स्लीव। क्या कहा जाता है? स्लीव। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में 45 MCQ की क्वेश्चंस भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसको बार बार 5-6 बार आप रिपीट कर लीजिए क्योंकि यह हर जगह नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों उन लोगों तक जहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके, आपके दोस्तों एंड सोशल मीडिया के माध्यम से। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।